और चलिए बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ जारी है। मानेसर लैंड डील मामले में कथित गड़बड़ी पर यह पूछताछ चल रही है। ईडी के दिल्ली स्थित दफ्तर में सवाल जवाब हो रहे हैं। मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। पॉलिसी को दरकिनार कर फायदा पहुंचाने का आरोप हुड्डा पर लगा है। ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा को समन जारी किया था। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी पूछताछ कर रही है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। हुड्डा के खिलाफ गुड़गांव से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाला मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी और उस वक्त से ही हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। पूछताछ की जा रही है। चार्जशीट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने साल 2004 में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा गया था कि सरकार मानेसर में 912 एकड़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लेकर आएगी और इसके लिए मानेसर के किसानों की जमीन को भी लिया जाएगा। हुड्डा पर आरोप ये भी है कि कुछ बिल्डरों की मिली भगत से उन्हें फायदा पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर, ईडी फिलहाल इसी मामले पर पूछताछ कर रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पॉलिसी को दरकिनार कर फायदा पहुंचाने का हुड्डा पर आरोप लगा है। बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। तो बिल्डरों ने जमीन को किसानों से खरीदने के बाद दूसरे बिल्डरों को महंगे दामों पर बेचा था जिसमें बिल्डरों को काफी फायदा हुआ था लेकिन असल जमीन मालिकों को काफी नुकसान इसमें हुआ था। तो मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप है हुड्डा पर। पॉलिसी को दरकिनार कर फायदा पहुंचाने का आरोप है और इसी पर ये पूछताछ यहां पर ईडी कर रही है। देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। काफी समय बीत चुका है, पूछताछ अभी भी जारी है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी जो है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर यह पूछताछ किया जा रहा है। तो भूमि अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर ईडी पूछताछ कर रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि ईडी ने फरवरी 2021 में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यह मामला पंचकुला में औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन से जुड़ा हुआ है। इस केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के अलावा 21 अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। तो ईडी के मुताबिक ये मामला 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम में 14 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन का है। प्लॉटों के आवंटन का ये मामला तत्कालीन सीएम भूपेंद्र हुड्डा के भी संज्ञान में था जब वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी इनके संज्ञान में था ये मामला लेकिन उस पर किसी तरह से कार्रवाई नहीं की गई या उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो पूछताछ यहाँ पर ईडी कर रही है। ईडी के दिल्ली स्थित दफ्तर में ये सवाल जवाब किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि आपको बता दें कि जो बिल्डर्स हैं उन्हें यहां पर फायदा पहुंचाया गया है जिसमें हुड्डा की भी मिली भगत होगी, ऐसा ईडी का कहना है। अब आरोप लगे हैं उस आधार पर ईडी पूछताछ कर रही है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। करीब 11:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री ईडी के मुख्यालय पहुंचे और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उन पर हरियाणा के मानेसर में भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी का आरोप है। करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का ये आरोप लगा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अब तक पूछताछ कर रही है, ये पूछताछ जारी है। ईडी की टीम हरियाणा के मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित गड़बड़ियों के आरोप के सिलसिले में उनसे पूछताछ कर रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि करोड़ों का ये पूरा मामला है। हरियाणा के मानेसर में कथित भूमि अधिग्रहण का ये मामला साल 2004-07 के दौरान का है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2014 में प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और नखड़ौला गांव के किसानों का भूमि अधिग्रहण किया था। आरोपों के मुताबिक किसानों और भूमि मालिकों के करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दाम में खरीदे गए। इस संबंध में किसानों ने आरोप लगाया था जिसकी जांच की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डरों को औने पौने दाम में बेचा गया था। इससे जमीन मालिकों को करोड़ों का नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले में लगभग 108 करोड़ की जमीन अटैच की जा चुकी है और इस पर ही पड़ताल की जा रही है। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ईडी दफ्तर में सवाल जवाब अभी भी जारी है, अपडेट क्या कुछ है इस खबर पर? बिल्कुल राजी, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है, देखिए तमाम जो अधिकारी है कोई पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये पूरा जो मामला है वो तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार का मामला है, और कहीं ना कहीं जमीन घोटाले को लेकर ये जो है पूछताछ जो है वो हो रही है। मानेसर में जो जमीन को लेकर कहीं ना कहीं प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे यहाँ लगता हुआ नजर आया, और उसी को लेकर जो है समन जो है नोटिस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा गया था। उसके तहत जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी दफ्तर पहुंचे, करीब 11 बजे के आसपास से ये पूछताछ जो है वो जारी है, और सूत्रों की माने तो करीब 7 से 8 बजे तक ये पूछताछ जो है वो चल सकती है। तो कहीं ना कहीं तमाम सवालों पर ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है, किस प्रकार से पूरा जो आवंटन जमीन का किया गया था, किस प्रकार से पूरा जो मामला था तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, किस प्रकार से पूरे जमीन को आवंटित किया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो और कौन कौन लोग उसने आपके सहयोगी रहे होंगे, इस प्रकार के काफी अनेक से सवाल हो सकते हैं जिनको लेकर ईडी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है। साथ साथ करीब 4 से 5 घंटे की और पूछताछ जो है वो और बताई जा रही है कि इतनी देर और ये पूछताछ जो है वो चल सकती है, और लंबा जो है वो पूछताछ का दौर चल सकता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से पूरे सवालात जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे जाएंगे, क्योंकि तमाम सवालों के जवाब वो यहाँ देते हुए नजर आएंगे, अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और साथ साथ अगर बात की जाए तो ये पूरा जो मामला है तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार का मामला है, उस वक्त केंद्र में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार होती थी, तो कई तरह के आरोप लगे हैं। और वही अगर बात की जाए तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो लगातार ईडी और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। जब भी चुनाव आते हैं तो इस प्रकार से ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। हाँ। इस प्रकार के भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगते हैं, जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जो सरकारी एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो देखना होगा कब तक ये जो पूछताछ है वो चलती है, क्या क्या सवाल ईडी के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किए जाते हैं, ये तमाम बातें आफ्टर जो पूछताछ है यानी कि पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है रवि, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ईडी के शिकंजे में भूपेंद्र हुड्डा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ यहां पर इनसे की जा रही है, और ईडी के दिल्ली दफ्तर में सवाल जवाब चल रहा है, जैसा कि अभी जानकारी भी दे रहे थे रवि कालीरमन, और ये ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का ये आरोप लगा है। तो आपको ये भी बता दें कि ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया कि पॉलिसी को दरकिनार कर हुड्डा ने कुछ बिल्डरों को फायदा पहुंचाया है, और ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा को समन भी इस पर जारी किया था।